आरोपी आरिद अली केस संख्या 85-22 ईरानी थाना कैलाशहर जेल छत्तर से फरार है। इसी साल 27 अक्टूबर को ईरानी थाने की पुलिस ने उसे कोर्ट भेजा और उसी दिन कोर्ट ने कैलाशहर जेल भेज दिया था। गुरुवार 24 नवंबर को जब उसे मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया गया और वहां से कैलाशहर जेल भेजे जाते समय वो वहां से अचानक सत्संग आश्रम के सामने जेल पुलिस की नजरों से बचकर फरार हो गया। हालांकि जेल पुलिस विभाग ने उसकी तलाशी की, लेकिन रात 8 बजे तक फरार आरोपी अरिद अली का पता नहीं चला। घटना से कैलाशहर के लोग दहशत में हैं। गौरतलब है कि 24 नवंबर गुरुवार की सुबह पुलिस कुल 4 कैदियों को कैलाशहर जेल से न्यायालय ले गई। शाम 2 नए कैदियों सहित कुल 6 लोगों को कैलाशहर जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। तब आरोपी बंदी अरिद अली अचानक फरार हो गया। अरिद अली को पकड़ने के लिए कैलाशहर पुलिस, ईरानी पुलिस और जेल पुलिस सरगर्मी से छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि ईरानी थाने का एक कैदी 2 साल पहले अदालत से जेल ट्रांसफर के दौरान ऐसे ही फरार हो गया था। घटना से कैलाशहर शहर में तनाव है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बंदी अरिद अली कार क्रमांक TRO2A1024 से नीचे कूदकर भाग गया था। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। ওই একটা ছেলে উঠে দৌড় দিছে, তখন ও দৌড় দেওয়ার সাথে সাথে আমি নিজে বন্ধু দৌড়ছি, পুলিশ আমার লগে দৌড়ছে। ওই সঙ্গে বন্ধু মোটামুটি আনুমানিক কয়টা বাজে তখন? কয়টা বাজে? 2:30। পুলিশ কতজন আপনি যখন যাবে? তখন তো অনেক পুলিশও আছে, কিন্তু এ থাকে দৌড়। আরো কয় দিয়ে আসলো? দিয়ে পাক আরো আসিল 3-4 জন দেখছি। কোন রাস্তা দিয়া মানে পালাই গেছে? এই সঙ্গে রাস্তা দিয়ে কবি ডুবুরি দিকে দেখছি। हालांकि ये घटना शाम करीब 6:30 हुई, लेकिन रात 7:30 कैलाशहर SDM प्रदीप सरकार और डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट रवीर देबर्मा प्रशासन के अधिकारियों के साथ जेल पहुंचे और पूछताछ करने लगे।